हरिओम। पिछले क्लास में हमने अपनी आत्मा के, अपने अनकॉन्शियस माइंड के साथ हम किस प्रकार से रहे, या उनके साथ हम अगर ध्यान में डीप मेडिटेशन में जा रहे हैं तो अनकॉन्शियस माइंड का ध्यान कैसे हो पाए, उसके लिए कल पिछले क्लास में परसों हमने ये मेडिटेशन किया। इस मेडिटेशन में हमने अपनी आसपास की ऑरा को भी चेक किया और वो ऑरा कितनी, मेडिटेशन में जाने के बाद आपकी ऑरा कितनी बढ़ जाती है आपने वो फील किया। आज भी हम वही वापस करेंगे क्योंकि मेडिटेशन और उससे पहले ऑरा चेक करेंगे, मेडिटेशन चालू मेडिटेशन में भी हम अपनी ऑरा चेक करें। हमें ये बात को बहुत ही महत्व देना है कि ये जो मेडिटेशन है जो हमारी आत्मिक शक्तियों को जगाने के लिए है। हम अपने अंदर के व्हील पावर को कैसे जगा सकते हैं, व्हील पावर को जगाकर हमें क्या क्या काम करना चाहिए, हमें किस काम के लिए हमारे व्हील पावर को जगाना चाहिए, आज हम ये दो तीन चीज बातें डिस्कस करेंगे। पहले तो ये बात है कि शक्तियां हमारे भीतर ही पड़ी है, हमारी अपनी शक्तियां हमारे शरीर के भीतर ही पड़ी है। जिस तरह से मरने के बाद डेड बॉडी में से शक्ति बाहर निकल चुकी है उसका एहसास हमें होता है, तो हमें एक जिंदा इंसान के अंदर क्या क्या शक्ति छुपी हुई है, उसकी शक्तियां अंदर ही स्टोरेज किस प्रकार से वो अनुभव कर सकता है, उस अनुभव के स्तर पर हम जाएंगे। नॉर्मल इंसान, आप नॉर्मली किसी भी वस्तु या व्यक्ति से, अंदर की परिस्थिति से हम अपने आप को डेली रूटीन में मैच नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी शक्तियों को सुषुप्त अवस्था में ही उसको बहुत ही बारीकी से टेस्ट भी करना है, उस शक्तियों के ऊपर लगे सारे आवरण को हटाना भी है। एक छोटी सी इत्र की बॉटल हो और एकदम वो टाइट ढक्कन से बंद की हुई हो तो अंदर की इत्र की खुशबू बाहर नहीं आती है। वो डब्बी के, बॉटल के भीतर ही दबके रह गई होती है। जब आप उसके ऊपर के ढक्कन को खोल देते हैं, सिर्फ कुछ मिनट के लिए, अगर आपने कुछ सेकंड के लिए भी अगर आपने उसको खोल दिया तो बाहर की हवा से जब उसकी खुशबू हवा से टच करके बाहर निकलेगी तब हमें मालूम पड़ेगा कि वो अत्तर के अंदर क्या क्या शक्ति छिपी हुई, उसके अंदर सुगंध की कितनी, इतनी बड़ी शक्ति छिपी हुई है। सिर्फ वो ढक्कन लगाने के कारण ही वो हम तक अपने आप नहीं पहुंच रही। ठीक है, हमारी आत्मा की स्थिति भी यही है, सिमिलर यही है। हम अपनी आत्मा की शक्तियों को उसके ऊपर हमारे ही किए हुए, हमारे ही सोचे हुए कर्मों के ढेर लगाकर बैठे हैं। जो डेली रूटीन में जो जो नेगेटिव हम करते हैं, जो जितना जितना नेगेटिव होता है वो सब बात, ये नहीं करना है, ये नहीं अच्छा लगता, ये नहीं खाना है, जहां जहां भी आपका मुंह बिगड़ता है, हमारा अपना मुंह बिगड़ता है, हमारा अपना मूड बिगड़ता है, हम किसी और के ऊपर मूड खराब होने की वजह से गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, हम स्ट्रेस फील करते हैं, हम कभी भी हर किसी व्यक्ति के साथ घुल मिलकर नहीं रहते हैं, यही जो उसकी जगह वो व्यक्ति के ऊपर रोष, तिरस्कार, संजोग के ऊपर गुस्सा, आसपास की व्यक्ति के ऊपर गुस्सा, बच्चों के ऊपर गुस्सा, अगर कोई अपना काम नहीं हो रहा है तो उसका गुस्सा, ये सारा नेगेटिव फैक्टर है जो हम अपनी अंदर, हमारे अंदर की शक्तियों के ऊपर एक के बाद एक ढेर बनाते ही जाते हैं। नेगेटिव चीज किस प्रकार से हमें इफेक्ट करती है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, तो मैंने बहुत ही कुछ नाम लिया है। जब आप बात को खोलने बैठोगे ना तो पता चलेगा कि ऐसी 2000 बात होगी ना तो भी कम होगी।
नेगेटिव फैक्टर के लिए 2000 बात होगी ना, तब भी लगेगा कि अभी भी और कुछ नेगेटिव होता होगा जो हम करते होंगे। तो हमारी वजह से या हमसे इतना सारा नेगेटिव फैक्टर होता है, खड़ा होता है, और वो सारा नेगेटिव फैक्टर हमारे अपने ही आत्मा के प्रदेशों को दबा दबा के कचोड़ के रख देता है, कचोड़ के रख देता है। इस प्रकार से उसने उसको ढक दिया है कि जो भी अच्छाई या अंदर ही पड़ी है। देखो, आप कभी भी कहीं भी बुरे बनने जाते हो ना, तो दूसरी मिनट में आप अच्छे भी बनते हो। अगर हम किसी एक व्यक्ति के लिए बुरे बन रहे हैं तो सामने 10 व्यक्ति के लिए अच्छे भी बन रहे हैं। हमारा बिहेवियर अगर घर की 5 व्यक्तियों के लिए है तो एक व्यक्ति के ऊपर अगर उसके गलत काम से हम गुस्सा करेंगे तो बाकी के 4 व्यक्तियों के लिए वो लाभदायी भी होता है। तो बात यह है कि चाहे आपने लाभ 4 के लिए रखा, लेकिन 1 के लिए भी जो गुस्सा किया ना, वो गुस्से की सारी इफेक्ट आप अपने ही आत्म प्रदेश के ऊपर लाद रहे हो, कचरे के ढेर की तरह लाद रहे हो। और ये कचरे का ढेर आपकी अंदर की आत्मा की लब्धियां, लब्धि में शब्द का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि लब्धि कुछ अलग ही होती है। शक्ति अलग है, लब्धि अलग है। शक्ति आप स्ट्रेंथ मान सकते हो, शक्ति को पॉजिटिव शक्ति या नेगेटिव शक्ति, सबकी सब शक्तियां हैं, लेकिन लब्धि सिर्फ पॉजिटिव होती है। यहाँ पे हम ये 2 का फर्क समझेंगे। हमें अपनी शक्तियों को लब्धि में परावर्तित करना ही करना है। आत्मज्ञानी बनने जा रहे हो आप, आत्मध्यान कर रहे हो आप, अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना चाहते हो, तो आपको शक्ति क्या है उसको समझना ही पड़ेगा। शक्ति एक ऐसी ताकत होती है जो आप सामने वाली व्यक्ति को हराने के लिए या हटाने के लिए उपयोग में लेते हो। शक्ति उसे कहा जाता है। आपको ये पता होगा जो मैंने 64 जोगणी और 50-51 वीर के नाम लिए है ना, सारे उसमें वीरभद्र, काल भैरव जी, पछी वो बटुक भैरव, ये सब भैरव जी, ये सब हमारे जो भी दूसरे अन्य देव देवी जो भी है, जो जिनके हाथ में शक्ति है, जो शक्ति के धारक है। और इसमें आप ये समझ सकते हो कि इनको अपनी शक्ति के तहत लड़ाई और युद्ध भी करने पड़ते हैं। तो शक्ति का प्रयोग हमेशा ताकत का प्रयोग करने के लिए ही हुआ है। आप देखोगे जो भी 64 जोगणी के मैं नाम ले रही हूँ, नवरात्रि आ रही है, आपको प्रत्येक नवरात्रि में प्रत्येक दिन कौन सी माता की पूजा की जाती है, ये सारी चीजें जाननी ही चाहिए। आज हम थोड़ा अब अभी कुछ नहीं बोलना, बीच में वो रिकॉर्डिंग ठीक से नहीं होगा, बाद में हम लेंगे 10 मिनट, ठीक है। अभी माइक बंद कर दीजिए प्लीज, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आवाज आ जाती है, बहुत आवाज आ जाती है। मैं जरूर आपसे बात करूं। हमें नवरात्रि के 9 दिन में जो जो माता स्पेशल एक एक दिन की होती है, जिनकी आराधना करनी है, जिनके व्रत पूजा करनी है, उन सब के बारे में तो हमें जानना ही जानना है, लेकिन हमें सबसे पहले एक महत्व की बात जाननी कि हमें ये शक्तियों की पूजा क्यों करनी है। आज हम ये बात जानेंगे ही, क्योंकि हमारे नहीं जानने जानने से कोई फर्क नहीं है। शक्तियां ये जगत में उपलब्ध है, ये सारी शक्तियां इसी जगत में उपलब्ध है। हम उसको नहीं जानेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, उनको लोग जाने या ना जाने, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें ये फर्क पड़ता है कि
उनकी शक्ति और हमारे अंदर जो आत्मशक्ति है वो दोनों में कोई फेर ही नहीं है, बिल्कुल एक जैसी है। वो आपके भीतर भी जो शक्ति है और उनके भीतर भी जब वो देवी थी तब जो शक्ति थी, वो सब शक्ति एक जैसी। आप अपने अंदर भी ये शक्ति जगा सकते हो क्योंकि उनकी और आपकी आत्मा ही एक जैसी है। हम इसी बात को समझेंगे कि आज जगत में जितनी भी जीव है सब की आत्मा और सबके आत्मा की शक्ति एक समान है। सबकी आत्मा उतनी ही पावरफुल है जितनी की एक की है। परमात्मा जो जो हो गए उनकी आत्मा और हमारी आत्मा एक समान पावरफुल है, एक समान शक्तिशाली। तो फेर क्या है? देखो, हमें ये समझना है कि अगर उनकी आत्मा और हमारी आत्मा दोनों एक समान है तो भेद कहाँ है? वो तो जाकर बैठे मोक्ष में, हम क्यों भटक रहे हैं? दोनों की आत्मा एक जैसी, दोनों की आत्मा की शक्तियां एक जैसी, जैसे उन्होंने अपने अंदर आत्मा की शक्ति जगाई ऐसे हम भी जगा सकते हैं, उतने ही शक्तिशाली हम है। लेकिन हम अपनी शक्तियों का क्या सही जगह इस्तेमाल कर रहे हैं? सबसे पहले प्रश्न ये है, उन्होंने अपनी शक्तियों को जगाया भी और उसका बिल्कुल सही तरीके से उपयोग किया। उन्होंने शक्ति जगाई और शक्ति जागने के बाद, उनके भीतर की शक्तियों को जागने के बाद, उन्होंने सभी अपने आत्मा की गुणों को, अंदर जो पॉजिटिविटी है ना, गुण शब्द हम गुण याद रखेंगे, गुण और दुर्गुण आप जानते हो, गुण शब्द पता है दुर्गुण शब्द भी पता है। गुण है वो पॉजिटिविटी है, दुर्गुण है वो नेगेटिविटी है। हम सिर्फ ये इंग्लिश शब्द जानते हैं, हमें गुजराती हिंदी शब्द से तो जैसे कोई पल्ला ही नहीं पड़ रहा है। सिंपल लॉजिक है कि वो अपने गुणों को, शक्ति के द्वारा अपने गुणों को उजागर कर चुके थे और हमने अपने गुणों को उसी शक्ति के नीचे दाट के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है, उसके ऊपर वजन वजन वजन, इतना वजन भर दिया है कर्मों का, दुर्गुणों का। मेरी बात क्लियर हो रही है? शक्ति दोनों की समान, शक्ति सबकी एक समान, पर फर्क कहाँ आ रहा है? तो जो शक्ति धारक आत्मा दोनों में एक समान है, वो आत्मा अपनी शक्ति को उन्होंने खोल दी और गुणों को उघाड़ कर लिया, अपने भीतर गुणों को जगा लिया, दुर्गुणों को खत्म कर लिया। और हमने, हम सभी आत्मा अपने अपने दुर्गुणों का बोझा लेकर चल रहे हैं। हम अभी तक ऐसे दुर्गुणों के ढग के नीचे डट के बैठे हुए हैं कि अंदर के आत्मा के गुण बाहर आ ही नहीं रहे, पॉजिटिविटी बाहर हो ही नहीं रही है। अगर किसी की बात सुनते हैं ना कि इनको कोरोना हुआ, आज अगर किसी का भी फोन आए ना कि इसको कोरोना हुआ, तो ये मैसेज हम अपने जानने पहचानने वाले 25 लोगों को बता देते हैं। हम उनको भी बता देंगे जिनसे हमें लेना देना तक नहीं। एक बात है, हम व्हाट्सएप ये मैसेज हमें लेना देना ही नहीं है जिनसे, उनको भी ये बता देंगे कि भाई इसको कोरोना हुआ, भाई इसको कोरोना। इसका मतलब क्या है पता है? कि किसी के दुख को बांटने के लिए, मतलब बताने के लिए, बांटने की बात नहीं है ये, किसी की दुख की बात हम लोगों को बताने के लिए तैयार बैठे हैं, राह देख कर बैठे हैं कि कैसे पता चले और सबको मैसेज करें। जैसे मालूम पड़े हम 10 लोगों को फोन करें, हम इंतजार कर रहे हैं कि किसी की बुरी खबर कब आए और हम 100 लोगों को बताएं। ये हमारा इंतजार होता है। हाँ,
ये जरूर है, ये काम करो भाई, जिनको आपके सर्कल है, फैमिली है, ये किसी और को मिले तो नहीं है ना एक हफ्ते पहले, ये आप जरूर कर सकते हो। ये मेरी खास फ्रेंड हो और वो मेरी दूसरी तीसरी फ्रेंड, उसको मिली तो नहीं है ना, जो सर्कल में, जो आप जैसे आपका जीएलसी का ग्रुप है, अगर आप रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो तो मॉर्निंग वॉक के वक्त कोई और व्यक्ति, किसी और को कोरोना हुआ है और आप सब मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हो, तो आप जरूर उसको बोलो, आप उसको अलर्ट करने के लिए कहोगे, देखो ये फर्क है। अगर आप किसी एक व्यक्ति को उससे अलर्ट करने के लिए कहोगे तो ये पॉजिटिविटी हो गई, क्योंकि आपने उसकी सुख की चिंता की। लेकिन जिसके साथ उसको कोई लेना देना ही नहीं, जो व्यक्ति के साथ आप बाकी सारी जो इसको जानता तक नहीं है, लेकिन आपको एक लिस्ट बनानी है, किसी को लिस्ट बतानी है, वो हमारा स्वभाव बन चुका है। देखिए हमें ये तो एक नॉर्मल बात है, इससे भी दूसरी तीसरी बात आती है, इसमें किसी की प्राइवेट बात को भी हम लोगों को बताने के लिए तैयार बैठे हुए होते, किसी की पर्सनल बात, किसी की प्राइवेट बात, किसी की बुरी बात, कि कब मौका मिले, हमें कब पता चले और ये बात हम दूसरों को फॉरवर्ड करें। हम अपनी ये सिंप्लिसिटी रोजनीशी से भी बाहर आ जाए ना, तो ही हम अपने ऊपर लगे हुए दुर्गुणों को मिटा पाएंगे। वरना आप दुर्गुण भी करते रहे जा रहे हो, आप सद्गुण भी करते जा रहे हो, आप लोगों का भला भी करते जा रहे हो और आप लोगों की बुरी बातों को सबके सामने उजागर भी करते जा रहे हो। जहां जरूरी नहीं वहां वो बात होनी नहीं चाहिए, और जरूरी पर भी देखो, आपकी जरूरी शब्द का की समझ, उसको मदद मिले उसे ही होना चाहिए। उसको तकलीफ आए या वो उसके साथ कोई बुरा व्यवहार हो आपके किसी दूसरे के बताने से, तो वो कतई भी नहीं चल सकता। हमें ऐसी बहुत सी बुरी बातों को डिस्कस करनी है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या बुरा कर लेते, हम ये जानते ही नहीं कि हम बोलते वक्त, हम काम करते वक्त, हम चार लोगों के बीच में बातें करते वक्त, बातों बातों में किसकी क्या बात लोगों के सामने रख देते हैं। जहाँ जरूर है वहां आप जरूर बताओ, ये मैं नहीं कहूँ, ये इस चीज को मैं आपको जरूर कहूँ, जहां जरूर है वहां बताओ। आप अपनी ही चार व्यक्ति में से दो व्यक्ति को बचाना चाहो, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आप ये कह सकते हो कि भाई तू इससे मिली तो नहीं ना, तीन चार दिन में इसको ये तकलीफ हुई है, आप ये जरूर बोलो, क्योंकि अभी कोरोना तो कोई छोटी बात है नहीं, ये बहुत बड़ा रोग है, उसे बचाने के लिए आपको किन किन को हुआ उसकी लिस्ट रखनी पड़ेगी, वो लिस्ट के वो को भी फॉलो करना पड़ेगा। आज गवर्नमेंट भी आपको कंपलसरी आरोग्य सेतु का ऐप में नंबर आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप डालने के लिए जबरदस्ती कह रही है, क्योंकि आपको मालूम पड़ना चाहिए कि मैं जो एरिया में खड़ी हूँ वो एरिया में कितने कोरोना पेशेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सिर्फ उसी बात पे हम ध्यान देंगे जो हमारे या किसी ऐसी आसपास की व्यक्ति से रिलेटेड है, जिसकी तबीयत या जिसकी शक्तियों को घात कर रही है। इसके अलावा बाकी सारी बातों को हमें नजरअंदाज करना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी आत्मा के ऊपर कर्म के सबसे ज्यादा बोझ रोज डाल रहे हैं, रोज डाल रहे हैं, सिर्फ इतना काम करते हुए। अरे कोई रेप केस हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है, किसी को ये प्रॉब्लम हुआ है, हजार लोगों को फॉरवर्ड करते हैं हम, एक नहीं हजार लोगों को फॉरवर्ड करते हैं। उससे क्या बंद हो जाने वाले बाकी के?
और एक और बात बताऊं, एक बहुत बड़ी बात बताऊं, आजकल आप अपने ही फैमिली या किसी और के ग्रुप में थोड़ी सी धार्मिक लिखा हुआ भेजोगे ना, धार्मिक का लिखा हुआ भेजोगे ना, तो वहां के एडमिन का आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई ये ग्रुप में ये सारी चीज नहीं चाहिए। होता है ना ऐसा? ऐसा होता है क्योंकि उनको किसी व्याख्यान की जरूरत नहीं है, उनको किसी धार्मिक सलाह की जरूरत नहीं है, उनको बाकी सारी चीज आप मालूम करो, बताओ बताओ, किसी और की बात बताओ, ये सब मेरे पास होता है। एंटरटेनमेंट तो चलो मानते हैं, वो तो जरूरी है, वो तो आज के नॉर्मल भी लाइफ में जरूरी इसलिए है कि हर कोई आध्यात्मिक की तरफ तो नहीं ढला हुआ है, हर कोई अध्यात्म की तरफ नहीं ढला हुआ। आपको अभी एक चीज को ध्यान में रख के चलना है, अगर आपको मन हो रहा है धार्मिक सुनना धार्मिक पढ़ना, तो आप किसी और व्यक्ति को धार्मिकता और उसी से रोकने की कोशिश आप नहीं करोगे, या आपको मन नहीं कर रहा है तब भी आप किसी को रोकने की कोशिश नहीं करोगे। हमें एक चीज को समझनी है, एक बात को बहुत अच्छे से समझनी है कि हम अगर आध्यात्मिकता की तरफ उतर चुके हैं, आप पॉजिटिविटी की तरफ उतर चुके हो, तो अगली व्यक्ति पॉजिटिव नहीं हो रही है उसको भी आपको ये बताना नहीं है, उसको ये एहसास नहीं कराना है कि अरे तू ये क्या कर रही है, तू यहाँ क्यों नहीं जा रही, तो ये सब हंसने गाने बोलने नाचने में से कब बाहर आएगी। आपको आपको ये भी नहीं बोलना है। और अगर आपको ये सारी चीज पसंद है और सामने वाली व्यक्ति धार्मिकता की तरफ जा रही है, तो उसको रोकना भी नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? आज हम आपको एक चीज पे फोकस करना है, आप जैसे हो वैसी सामने वाली भी व्यक्ति हो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। पहले तो हम यही बात समझेंगे, बाकी सारी बात बाद में। जैसी मैं हूं, जैसा मैं सोच रही हूं वो ही सही है, सामने वाली व्यक्ति जो भी कर रही है या सोच रही है उसको ये गलत नहीं करना है, उसको ये काम बंद करना है, ऐसा कोई स्टेटमेंट आपकी तरफ से नहीं जाएगा, सिवाय के वो पूछे। आज सबसे पहला नियम हम ये जानेंगे कि कुछ भी हो जाए हमें किसी को भी उसकी गलती के लिए क्रिटिसाइज नहीं करना है। आप बताओ, सिर्फ एक बार बताओ, दो बार बताओ, तीन बार बताओ, उसके बाद मौन हो जाओ। आप दो बार बताओ, तीन बार बताओ, जरूर लगे तो, और भी जब जब भी लगे तो, ऐसा लगे कि सामने वाली व्यक्ति इरिटेट नहीं हो रही है तब तक ही बताओगे। जिस वक्त सामने वाली व्यक्ति कह देगी भाई तेरा भाषण बंद कर मुझे नहीं सुनना है, तो उस दिन से आप उसे एक भी शब्द नहीं कहो। क्योंकि क्योंकि समझना है, ये कारण हम जानेंगे कि आप जितना भी, एक बार सामने वाली व्यक्ति ने अपने अनकॉन्शियस में ये डाल दिया कि मुझे ये व्यक्ति की एक भी बात नहीं माननी है, अगर मेरी फैमिली ने मेरी बात नहीं माननी है ऐसी बात अपने दिमाग में डाल दिया ना, तो मैं कितना भी सर पटक लूं, कितना भी सर पटक लूं, उनको मेरा कहा नहीं ही करना है। वो ज्यादा मक्कम बनते जाएंगे, मैं जितना ज्यादा बोलती जाऊंगी वो ज्यादा मक्कम बनते जाएंगे, ये तो राग द्वेष हो गया फिर से।
उसके बाद आप समझाने नहीं जा रहे हो उसको, आप द्वेष ज्यादा खड़ा करने जा रहे हो। मैं किसी को देखो, यही यही पिछले वाला एग्जांपल याद करो, कृष्ण जी ने शिशुपाल को बोला कि मैं तेरे 100 गुना माफ करूंगा, तो 100 गुने पे तो शिशुपाल बहुत जल्दी पहुंच गया। अगर कृष्ण जी ने कुछ नहीं बोला होता ना, उसको निग्लेक्ट किया होता ना, तो कुछ दिन बोलता, उसके बाद वो चुप हो जाता। समझ रहे हैं ना? अगर मैं किसी को बोल दूं कि भाई आपके 100 गुने मैं गिनूंगी, 100 गुने तक ही माफ करूंगी, बाद में नहीं करूंगी, तो सामने वाला आपको ज्यादा उकसाएगा, वो 2 दिन में 100 गुना कर लेगा, उसको ज्यादा गुस्सा आएगा। ये तो उल्टा हो गया। मतलब ये है कि समझाने का भी वक्त है, वही वक्त निकल गया, उसके बाद कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा समझाने जाओगे, वो व्यक्ति डबल स्प्रिंग की तरह डबल विपरीत होगी, डबल विपरीत। बाद में उसको समझना नहीं है, आपको उकसाना है, आपको गुस्सा दिलाना है, बस। फिर उसकी सारी गतिविधियां आपको गुस्सा दिलाने के लिए शुरू हो जाए। और ये बात तो बिना बात तो ये जरूरी है ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। यही कारण है कि अगर कोई नहीं मान रहा, उसे हमें उसके हाल पे छोड़ देना है, बस। ठीक है, चलो अभी आज वही वापस डीप ध्यान करना है। फिर से हम ध्यान की श्रृंखला में जा रहे हैं। ध्यान की श्रृंखला में जाने से पहले ही आज आप ऑरा चेक करोगे। हम सबसे पहले ऑरा चेक करेंगे, ऑरा चेक करने के बाद प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम के बाद ऑरा चेक करने के बाद ओमकार करेंगे, ओमकार के बाद हम ध्यान में जाएंगे, और ध्यान में जाने के 10 मिनट के बाद हम फिर से ऑरा चेक करें। आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑरा में क्या फर्क आया है, आप सबको मालूम पड़ जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान शांत रूप से आप ध्यान में जाओगे। आप ध्यान में जाते वक्त कोई भी ऊपर नीचे की दूसरी बात नहीं सोचोगे और ना ही सुनोगे। जितना हो सके मैं बोलती रहूंगी, आप मेरी आवाज पर ज्यादा ध्यान देना, आपको सिर्फ मेरी आवाज सुननी है। ठीक है, ये ध्यान अनकॉन्सियस दिमाग का ध्यान है, हमें अपने अनकॉन्सियस माइंड को आदेश देना होता है, उसको कमांड देना है, उसको बताना है कि मैं क्या चाहती हूं, मुझे क्या क्या चाहिए। आप समझ रहे, बिंदु उसकी आत्मा को बताएगी कि भाई उसको क्या क्या चाहिए, उसको क्या क्या देना है, उससे किस तरह से व्यवहार करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम अभी ऑरा चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम ऑरा चेक करें, पलाठी लगाकर बैठ जाइए। आपको अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे रखनी है आमने सामने, जितनी नजदीक, बस इतनी नजदीक रखिए। आपको जैसे ही एक हथेली से और दूसरी हथेली में पकड़ेगी, जैसे जैसे पकड़ आ जाए ऐसे ऐसे दूर करते जाओ।
जहां तक आपकी दोनों हथेली वाइब्रेशन फील कर रही है, तब तक आप अपने हाथ को दूर करते जाइए। माइक बंद कर दीजिए प्लीज, जिसके यहाँ है माइक बंद कर दीजिए, रिक्वेस्ट। पीछे से आए प्लीज, बंद बंद कर दीजिए माइक, रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं। हाँ हो गया, अभी हम आपने अभी ऑरा चेक कर ली है, अब आप ध्यान करोगे और ध्यान के बाद इसी ऑरा को हम दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। अभी हम करेंगे ओम। शांत हो जाइए, आप बिल्कुल शांत हो जाइए, आंखें बंद, आंखें हमारी दो भ्रमर के बीच में, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सुनना है, बाहर की कोई दूसरी आवाज नहीं सुननी है, आपको सिर्फ मेरी आवाज सुननी है, आपके कान मेरी आवाज पे फोकस होने चाहिए। मेरे शब्दों को कान को फैमिलियर बना दो, ऐसा फैमिलियर बनाओ कि दूसरी कोई आवाज आए तो सबसे पहले आपके कान इसी आवाज को पकड़ेंगे। आप शांत हो चुके हो, आप सब बिल्कुल शांत हो चुके हो, आप मेरी आवाज सुन रहे हो।
किसी ना किसी को नेचर की, कुदरत की कोई ऐसी आवाज सुनाई देगी, जैसे कोई पक्षी बोल रहा हो, जैसे कोई मच्छर के गुनगुन की आवाज हो। अगर वो आवाज आ रही है तो उसे आप सुन सकते हो। आप मेरी बात को फोकस करो, आप मेरी आवाज पे फोकस करो। जितना हो सके शरीर को स्थिर रखना है, आप हिलडुल नहीं करोगे। हथेली को खुली छोड़ दो, शरीर ढीला छोड़ दो। आपकी दोनों कोनी पेट से सट जानी चाहिए, शरीर को छूकर रहेगी। आप मेरी बात सुन रहे हो। शांत होकर सुनो। आपको भी बंद आंखों से मस्तिष्क के अंदर प्रकाश दिख रहा है। उसी को देखने की कोशिश करो, उसी को पकड़ के बैठो। वो आपकी दृष्टि से भागना नहीं चाहिए। ये आपके शरीर के भीतर प्रवेश चुका है। ब्रह्मांड से निकला हुआ शुद्ध प्रकाश, शुद्ध प्रकाश आपके मस्तिष्क के द्वारा आपके दिमाग को बिल्कुल जगमगा रहा है। आपके मस्तिष्क में वो प्रकाश लाइट की तरह झबक रहा है। महसूस करो, आप महसूस करो, प्रकाश को महसूस करो। आपके शरीर की सभी नस नाड़ियों में वो प्रकाश दौड़ रहा है। जहां जहां आपकी नाड़ियां ब्लॉक हुई है उसको वो खोल रहा है। ये प्रकाश आपके शरीर की सभी नस नाड़ियों को खोल रहा है। नाड़ी के भीतर के कचरे को ये बाहर हटा रहा है। मूलाधार चक्र पे हमारे आत्म प्रदेशों को फैला हुआ देखो। आप अपने आत्म प्रदेशों को देखो।
कर्मों के ढेर के नीचे दबा है, इसीलिए आप उसे अपनी बंद आंखों से भी नहीं देख पा रहे हो, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। ब्रह्मांड से जो प्रकाश भीतर प्रवेश चुका है उसको भी वो नहीं मिल रहा। क्योंकि उसके ऊपर के आवरण को हमने हटाया नहीं है। बाहर से जो पॉजिटिविटी आपके मस्तिष्क से प्रवेश कर चुकी है उसको हमारे खुद के शरीर में पॉजिटिविटी कहीं नहीं मिल रही है। भीतर आने के बाद भी उसे कोई पॉजिटिव रास्ता नहीं मिल रहा है। कर्म के आवरण को हटाना ही हटाना है। ध्यान करने का यही तो सबसे बड़ा मकसद है मेरा। आप अपने अनकॉन्शियस को ये बताओ, उसे ये समझाओ कि जो बाहर से पवित्र प्रकाश ने भीतर प्रवेश किया है उसे अपना काम करने दे, उसको अपने काम में वो सहायक बने। जितनी भी किसी के लिए आपके मन में नफरत भरी है उसे आप खत्म करो। आप अपने आप को जगाओ, आपके अंदर किसी ना किसी के लिए नफरत भरी हुई है। बहुत सी व्यक्तियों के लिए हम अपने दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग भर के बैठे हुए हैं। किसी का बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, किसी का उठना बैठना अच्छा नहीं लगता, किसी का टोकना हमें अच्छा नहीं लगता है। याद करो, आपको कौन नहीं पसंद, क्या नहीं पसंद, निकालो बाहर। उसको बाहर आप ही निकाल सकते हो। आपका अनकॉन्शियस माइंड ही उसे बाहर निकाल सकता है। आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को बताओ कि सारी नेगेटिविटी को तुझे बाहर निकालना है। किसी की बुराई ना मैं सुनूंगी ना मैं करूंगी। किसी को बुरा ना मैं कहूंगी ना किसी का बुरा सुनूंगी। शरीर शुद्धि होने दो, बहुत जरूरी है। जितने घंटे आप, जितनी मिनट आप इस प्रकाश के साथ रहोगे आंखें बंद करके, उतनी मिनट तक प्रकाश आपके शरीर में कोने कोने तक घूमेगा। ये प्रकाश कभी स्थिर नहीं बैठता है। वो भीतर आने के बाद उसको घूमना ही घूमना है। उसे घूमने दो,
चारों ओर घूमने दो। जहां नफरत मिले किसी के लिए उसे बाहर निकालो। आपको शीला जी माइक बंद कर दीजिए। शीला जी आपको अपने भीतर का पूरा कचरा कचोट के बाहर निकालना है। आंख बिल्कुल नहीं खोलोगे और प्रकाश की तरफ ही आपका ध्यान रहेगा। मेरी आवाज सुन रहे हो? सिर्फ मेरी आवाज सुनोगे। कुदरत की आवाज भी सुनोगे, कुदरत का प्रकाश भी देखोगे बंद आंखों से। एक मिनट के लिए सब शांत हो जाओ, फिर से हम अपनी औरा दोनों हथेली आसपास पर ले जाकर फिर से उसको चेक करेंगे। एक मिनट बिल्कुल शांत और ध्यान में। सिर्फ अपने प्रकाश के साथ रहो। आप महसूस करो आपकी हथेली सीधी है, उसमें भी वाइब्रेशन मिल रहे हैं। जिन्होंने 10 मिनट तक आंखें बंद रखी है वो महसूस करेंगे। आपके घुटनों पे हथेली में भी वाइब्रेशन मिल रहे हैं। आपको दो हथेली साथ रखने की भी जरूरत नहीं है। आप फील कर रहे हो अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं वाइब्रेशन को। आप अपनी खुली हथेली में फील कर रहे हो। कुदरत मन बरसा बरसा के बारिश की तरह आपको वाइब्रेशन दे रही है। भर भर के दे रही है, महसूस करो उसे। अपने शरीर के अंदर उसे आने दो। दोनों हथेली नजदीक लाओ। आमने सामने रखो दोनों। वाइब्रेशन महसूस करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर भी ले जाओ। औरा को पास होने दो।
आप महसूस कर रहे हो और आप अपनी शरीर की शक्तियों को जागृत होने दो। हथेली वापस सीधी रख दीजिए। सबने उसको महसूस किया होगा। यही ऑरा आपके शरीर को कवच कर रही है। आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके आत्म प्रदेश को इसी ऑरा से कवर कर रहा है। आपके भीतर प्रवेश किए हुए ऑरा ने अपना काम शुरू कर दिया है। जितनी भी नेगेटिविटी हमारे आत्म प्रदेश के ऊपर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में दबके पड़ी है उसको वो बाहर निकाल रही है। सारी गलत सोच को बाहर जाने दो, जाने दो। सारा गुस्सा, सारा क्रोध, सारी नफरत आप महसूस करो, आपकी हथेली से बाहर निकल रहा है वाइब्रेट होकर। आप बहुत शांत फील कर रहे हो, बहुत हल्के फील कर रहे हो, बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हो। शांत हो जाइए, अब एक मिनट शांत हो जाइए। प्राणायाम करेंगे, सांस भरो, भ्रामरी प्राणायाम, आंखें बंद, कान बंद, सांस भर के नाक भी बंद।
एक्सरसाइज करेंगे। हाथ घिसिए, आंखों पे लगाइए। हरि ओम। हरि ओम जय जिनेन्द्र। हरि ओम जय जिनेन्द्र। खूब मेडिटेशन थयो छे आज। हाँ तू काले हती नी, मैं काले भी आउज करी तू। આપણી ઓરા આટલા દિવસ ની ધ્યાન ની ઓરા અંદર જે જાગી છે ને, એ બહાર નીકળી રહી છે, બહાર ના વાતાવરણ ને અંદર ના વાતાવરણ ને એ ટેલી કરી રહી છે। हाँ आ देखो, जो पहले जो मेडिटेशन हमने किया ये 3 महीने तक, ये हमने अपने आप को 5 मिनट तक ध्यान में ले जाने की आदत डाली, बराबर। अब आप क्या करोगे, 5 मिनट की 10 मिनट करोगे और डिफरेंस चेक करोगे, क्योंकि अब हमें बाहर से एनर्जी को अंदर आने देना है। वो अंदर आएगी तो हमारे लगे हुए जितने भी हम क्या बोलते हैं, भंगार बोलते हैं ना, जो अंदर लगे कर्मों का, हमारे आत्मा प्रदेश के ऊपर जो भी काटमाण लगा है उसको निकालने में यही एनर्जी काम करेगी। पर एनर्जी काम कर रही है वो समझ में कैसे आएगा हमारे, तो वो एनर्जी को हमें फील करना है। एनर्जी अपना काम करेगी पर हमें भरोसा नहीं आएगा ना, हम तो मानेंगे ये क्या बात है, ऐसे एनर्जी काम करती है क्या। आप फील कर रहे हो अपनी हथेली में एनर्जी को, आप ऐसे ही नॉर्मल घूमोगे तो हथेली से कोई एनर्जी नहीं निकलेगी, निकलती है क्या। हाँ जैसे कारण के आटला वक्त नो इतने इतने दिनों से महीनों से ध्यान कर रहे हो ना, उसने आपकी आजू बाजू की ऑरा को मजबूत बना दिया है। आपको अपने नेचर में या अपने सोचने में कोई फर्क नहीं दिख रहा, कोई बदलाव आया है अपने भीतर? नहीं, फिर भी नहीं। आपने हमें अपना जजमेंट लेना है कि हमें अपनी सोच और हमें अपनी जो जो भी आज के पहले स्थिति थी और आज की स्थिति में क्या फर्क है, हम शांत हुए हुए या नहीं हुए, ये तो हमें ही मालूम पड़ेगा कि हम कितने शांत हुए। भीतर से हमारे भीतर से डिमांड कितनी कम हुई है तो हमें ही मालूम पड़ेगी ना। हम अपनी नफरत को घटा पाए, हम अपनी डिमांड को घटा पाए, सम होने जा रहे हैं क्या? बस
जैसे जैसे समता बढ़ेगी ना, ऐसे ऐसे आपकी ऑरा, आपके आसपास, आपका अंदर का कचरा सब बाहर निकलेगा। ये ऑरा तो आपने पहचान ली, महसूस कर ली, आज हथेली में ऑरा तो जबरदस्त आती है जो बाहर से हमारे भीतर में प्रवेश करती है। अब उसको अंदर काम करने के लिए अंदर से सफाई अब हम शुरू करेंगे। बस चार महीना जेड़ जिन्होंने भी संभाल के और बहुत शिद्दत से ध्यान किया है ना, उसको ये 100% फल मिल गया। और अगर कोई अभी ज्वाइन हुआ है वो अब करो महीना, वो तो फल मिलना ही मिलना। नेचर अपना फल देती ही देती है, आप चाहे अब शुरू करो। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है, सोचो लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई बोलना चाहता है कुछ? फील किया क्या सबने हथेली में आज? किसने फील किया? मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगा। ऐसी सीधी हथेली और मैंने भरा, साथ में ज्वाइन करने की भी मुझे जरूरत नहीं पड़ी। आप सबने भी की होगी है ना? हाँ खोल दो, अभी खोल दो माइक, कोई बात नहीं। बस फील किया ना, बस खुश हुए ना। और ये यही अब हम यही, ये हमारा अब स्टैंडर्ड हो गया। ये ध्यान से ही हम रोज ये इतना ध्यान हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जो बातचीत जाननी है वो अलग बात है, वो जान लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ध्यान में हमें 15 मिनट से 20 मिनट देना ही देना है ना। ऑरा बढ़ानी है, ऑरा को काम करने देना है, और अपने अंदर की सफाई को ऑरा करे उसको मौका देना ही देना है। ठीक है, ठीक है। प्रवीण भाई आवे छे? प्रवीण भाई नथी आवे, नथी। बोलो, कोई ने कई पूछू छे? जी वात करवी छे? नहीं आए नहीं अभी तक, प्रवीण भाई आए नहीं, बंद नहीं हुआ है। आप बोलो बात, अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। मेरा दिल करे मतलब, समझी नहीं मैं। हाँ देखो, एक बात हमें समझनी है कि अब हमें अपनी जर्नी को सीमित करना है। हाँ, हम अपनी जर्नी को सीमित करेंगे। अब ऐसा होगा, ये शक्ति जागने के बाद ऐसा स्टेज आएगा, आप जिसको याद कर रहे हो आप सिर्फ उसको याद ही करो, उसका सामने से फोन आएगा। बस हमें है ना, जो है वही ठीक है और वही संतोष है और मेरे लिए काफी, हमें ये बात को मान लेना है बस। हाँ हाँ बस यही पे अटको, यही नहीं करना है हमें, यही नहीं करना है। हाँ, उसका हेतु एक ही होना चाहिए कि अगर किसी की खराब खबर है और वो खराब खबर से और दो लोग, उसके आसपास के दो लोग ही बच सकते हैं, तो वो दो लोग तक ही सीमित रखो, बाकी नहीं। हाँ
आपको आपको पता है ना, देखिए यहाँ पे अटकना है, आपको पता है ना कि मैं सिर्फ इतने लोग तक ही जाऊं बस। हाँ बस बस बस, आपको पता है वो ध्यान रखो बस। हमें ना हमें है ना